अंदर आए थे, उन पुर्तगीज पावर के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर या इंडिया के अंदर आने वाला कौन था? वो था हमारा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जब 1498 के अंदर इंडिया के अंदर आता है तो वास्को डिगामा आके कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री को एस्टेब्लिश नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आता है कैलीकट। कहाँ पे आता है? कैलीकट कोस्ट पे आता है। कैलीकट जगह कहाँ पे पड़ती है? उस टाइम पे केरला और तमिलनाडु का जो क्रॉस टच हुआ करता था, यह जो नीचे का पोर्शन होता है आपका, ये वाला पोर्शन यहाँ से आया, ये सीधा यहाँ पे आया और ये पोर्शन था आपका कैलीकट, ठीक है। मेजरली ये तमिलनाडु के अंदर लगता है पोर्शन। तो यहाँ पे इसने एंट्री की, यहाँ पे कौन रूलर रूल कर रहा था, ये हम लोग ने बात की थी उस दिन, यहाँ पे जमोरिन रूल कर रहा था, ठीक है। तो जमोरिन यहाँ पे रूल कर रहा था। अब जमोरिन के रूल को यहाँ पे इसने इसके रूल में यहाँ पे एंट्री की और जमोरिन ने इसको वेलकम किया यहाँ पे कोस्ट पे आगे। तो इससे एक चीज ये पता चलती है कि जमोरिन कैलीकट का रूलर था। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि वास्को डी गामा ने जब एंट्रेंस किया था तो उस समय रूलर कौन था कैलीकट में, तो जमोरिन रूलर था। और इसको लाने वाला कौन था, जिसने इसको ये वाला रूट दिखाया था, ये वाला पूरा रूट दिखाया था, वो कौन था? अब्दुल मजीद, याद है आप लोग को, ठीक है, उस दिन बात की थी हम लोगों ने, अब्दुल मजीद। तो वास्को डी गामा जब भारत के अंदर आया तो वास्को डी गामा ने आके क्या करा, स्पाइसेस, ठीक है, जितने भी मसाले वसाले होते हैं उन स्पाइसेस को देखा क्या, और उन स्पाइसेस का उसने क्या करा, बिजनेस करना स्टार्ट किया। बिजनेस किसके साथ में शुरू किया कि पुर्तगीज या यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा जरूरत है उन स्पाइसेस की, क्योंकि उन लोग को मीट को प्रिजर्व करके रखना पड़ता था। तो वो मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस को यहां से लेके गया और स्पाइसेस को उसने कितना प्रॉफिट पे बेचा, 60 टाइम्स प्रॉफिट पे उसने वहां पे स्पाइसेस को बेचा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 60 टाइम्स प्रॉफिट का मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट उसको गेन हुआ। और उस प्रॉफिट को गेन करने के बाद में उसने क्या सोचा कि चलो अगर हमको यहाँ पे 60 टाइम्स का प्रॉफिट मिल रहा है तो उस 60 टाइम्स के प्रॉफिट को हम एक ही बार क्यों ले, हम उसको बार बार क्यों ना ले। तो वो बार बार लेने के लिए इन्होंने क्या सोचा, हम वहां पे क्या करते हैं, एक फैक्ट्री लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक फैक्ट्री वहां पे स्टार्ट कर देते हैं, जहां जिस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे स्पाइसेस को कलेक्ट किया करेंगे और उन फैक्ट्री से उठा के सारे हम लोग अपने यहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करा लिया करेंगे। पहले देखो जो फैक्ट्री का मतलब होता था, अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री का मतलब सिर्फ एक प्लेस होता था जहाँ पे गुड्स को संभाल के रखा जाता था, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को रखने के लिए एक जगह होती थी, वो फैक्ट्री होती थी। आज के टाइम में फैक्ट्री जो आप लोग जानते हो वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है। तो तब की फैक्ट्री और अब की फैक्ट्री में ये फर्क है। जब मैं उसकी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ तो इतना याद रखिएगा कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो अपनी रिसोर्सेज को कंजर्व किया करते थे। तो इन्होंने यहाँ पे एक फैक्ट्री डालने की कोशिश करी। अब उस फैक्ट्री को संभालेगा कौन? वास्को डी गामा तो ट्रेवल करता है, ट्रेडर एक तरीके से, आना जाना रहता है। तो वास्को डी गामा तो वहाँ फैक्ट्री को नहीं संभालेगा। इन्होंने क्या करा कि हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक गवर्नर अपॉइंट कर देंगे, वो गवर्नर ट्रेड रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों को वहाँ देखा करेगा। तो इन्होंने क्या करा, एक गवर्नर को अपॉइंट किया। ये गवर्नर 1505 में यहाँ पे अपॉइंट होता है। इसका नाम आप लोग को याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को अपॉइंट किया जाता है एज अ वाइसराय, ठीक है। वाइसराय की तरह अपॉइंट किया जाता है। वाइसराय का मतलब ये होता है कि ये पुर्तगाल की तरफ से इंडिया के अंदर रह के वहां के ट्रेड को देखेंगे, जो ट्रेड पुर्तगाल और इंडिया के बीच में हुआ करेगा। तो वो वाइसराय की इनको पावर मिली। और जब ये पहले वायसराय बने भारत के अंदर तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, चलिए इसको देखते हैं। ये याद है आप लोग को, सॉरी, ये याद है आप लोग को, मैंने आपको बताया था कि ये लोग पुर्तगीज जो थे इस वाले रोड से भी आ सकते थे, मेडिटेरियन सी से होते हुए अरेबियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी से होकर अरेबियन सी तक आ सकते थे, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं आ रहे थे, क्या रीजन बताया था? ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन रूल यहाँ पे रूल कर रहा था, इस वजह से ये लोग क्या कर रहे थे, इस वाले रोड से नहीं आ पा रहे थे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट करने का मतलब अल्मीडे का ये था कि जितना भी रीजन वाटर वाटर वाला है, मतलब वाटर का मतलब जितना भी ओशनिक रीजन है उसके ऊपर ट्रेड करना है हमको, शिप्स तो हमारी उधर से आएंगी जाएंगी। तो आके उसने सबसे पहले क्या करा, ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट करा, मतलब वाटर वाला जो एरिया है इस एरिया पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करके रहेंगे हम,
पुर्तगीज ने बोला कि इस वाले एरिया पे कंट्रोल एस्टेब्लिश हमको करना है, तो ये कंट्रोल एस्टेब्लिश करने में लगे रहे, ब्लू वाटर पॉलिसी उसी को बोला गया। तो इन्होंने जितने भी सी रूट थे उनके ऊपर करा, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद में क्या हुआ हम देखेंगे कि अल्मीडा ने आके तो ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने अपना एक हेडक्वार्टर बनाया। हेडक्वार्टर तो बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कहीं एक जगह तो आके हेडक्वार्टर बनाएंगे। उस हेडक्वार्टर को याद रखना वो कोचिन था, ठीक है, केरला, जस्ट कैलिकट के बगल का ही रीजन है। तो केरला के अंदर कोचिन के अंदर इन्होंने बनाया, ठीक है। आज के टाइम में वहां पे फोर्ट कोचिन भी कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता है। जब ये गवर्नर यहाँ से चले गए, या वायसराय कह सकते हो आप, तो वायसराय जब ये यहाँ से चले गए तो इसके बाद नेक्स्ट वायसराय आए, वो नेक्स्ट वायसराय का नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। 1509, सिर्फ तीन वायसराय इनके याद रखने हैं हमको, वो तीन के टाइम की जो जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम लोग यहाँ पे देख के बस उतना ही याद रखना है। अब देखो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क की जब बात हो रही है तो इनसे रिलेटेड हमको ये याद रखना कि इसने गोवा को कैप्चर किया था, इसने गोवा पे अटैक किया, केरला से गया ये गोवा, गोवा को इसने अटैक किया और गोवा को अटैक करके इसने गोवा को कैप्चर कर लिया, गोवा को अपने अंडर में ले लिया, पुर्तगीज एम्पायर के अंदर कहीं ना कहीं गोवा को कैप्चर करके रख दिया गया। और वहाँ गोवा पे पहले से कौन रूल कर रही थी, आदिल शाही डायनेस्टी वहाँ पर रूल कर रही थी। आदिल शाही डायनेस्टी याद है, जो हम लोग ने भी डायनेस्टीज पढ़ी थी पीछे, तो उन डायनेस्टी में एक आदिल शाही भी थी, तो वहाँ पर आदिल शाही डायनेस्टी याद है वहाँ पर रूल कर रही थी, तो उन्होंने गोवा को वहाँ से कैप्चर कर लिया। और गोवा को उस समय कैप्चर किया है सोचो, और वो गोवा 1510, ठीक है, 1510 से लेके 1961 तक ये लोग गोवा के ऊपर रहे। 1961 में इन्होंने फाइनल गोवा को लीव किया है, तब तक ये लोग गोवा में रहे। इसलिए कहा जाता है पुर्तगीज सबसे पहले भारत के अंदर आए और सबसे लास्ट में भारत से जाते हैं। एक वायसराय आपको और याद रखना है इससे रिलेटेड, इनका नाम है नीनो डी कुन्हा, ठीक है। नीनो डी कुन्हा का इसलिए हमको याद रखना है क्योंकि इन्होंने क्या करा था, 1530 के अंदर दमन एंड दीव को कैप्चर किया था। जैसे अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर किया है, उसी तरीके से नीनो डी कुन्हा ने क्या किया था, दमन एंड दीव को कैप्चर किया था। तो ये दो तीन पॉइंट्स हमको इससे रिलेटेड याद रखना है कि पुर्तगीज भारत के अंदर आए, कहां से आए, कौन लेके आया पुर्तगीज को भारत के अंदर, फर्स्ट वायसराय कौन था, और उस वायसराय के टाइम की जो इम्पोर्टेंट जो भी से जितनी भी आपकी घटनाएं रही हैं उन घटनाओं के बारे में हमको पता लग जाए। और उसके बाद में हमको ये याद रखना है कि फर्स्ट और लास्ट के बारे में, जैसे हम लोग मुगल्स में याद रखते थे, दिल्ली सल्तनत में याद रखते थे, वो सारी चीज़ें याद रखते थे, वो हम लोग यहाँ पे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे हम लोग को वास्को डी गामा पता है, लेकिन अगर फर्स्ट वायसराय पूछेगा हमसे तो हम लोग अल्मीडा पे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो जो चले गए, यस 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 सर, ऑफलाइन टेस्ट के अंदर, ऑफलाइन टेस्ट के अंदर अभी जो आपका सिलेबस डिजाइन होगा, जितना आप लोगों ने लगभग पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है, वो आपके क्लासेस का टेस्ट होगा। लगभग एंशियंट मेडिवल उसके अंदर प्रॉपर पूरी तरीके से आएगी, और जो मॉडर्न है, मॉडर्न का कुछ पोर्शन जहाँ तक हम लोग अभी लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, आज का क्लास छोड़ देना, लास्ट क्लास तक जो भी हम लोग ने पढ़ लिया था मॉडर्न का वो पोर्शन, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, नेक्स्ट जो पावर आती है वो है डच। अब डच भारत के अंदर जब आते हैं तो डच भारत के अंदर कब आए थे, क्या डेट बताई थी मैंने, 1602, ठीक, 1602 सीधा सूरत के अंदर एंटर करते हैं ये लोग आके। अब डच लोग थे कौन, हॉलैंड या नीदरलैंड, यूरोप में एक जगह पड़ती है, ठीक है, एक कंट्री, तो ये वो लोग थे, इनको डच कहा गया। तो इन्होंने क्या करा, अपनी कंपनी को आके एस्टेब्लिश किया यहाँ पे, और कंपनी को एस्टेब्लिश करने के बाद इन्होंने मेन जो इनका टारगेट था इंडिया के अंदर आने का, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना था, और इनका कोई भी मोटिव नहीं था कि जैसे हम लोग ने गॉड क्रिश्चियनिटी की बात की थी, या ये रूल करने आए हैं, ग्लोरी के लिए आए हैं, ऐसा कुछ इनके ज्यादा मन में था नहीं। तो इन्होंने किसी भी डिस्प्यूट में उलझना नहीं चाहा, और ये सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेड से रिलेटेड, और ट्रेड में भी स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस इन लोग को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ट्रेड करना था उसका, तो ये स्पाइसेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उसके फेवर में रहे कहीं ना कहीं, और उसी से मतलब रखा। किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट में, किसी भी तरीके की कोई जितनी भी अभी आप स्ट्रगल देखोगे आगे, बहुत सारे वॉर्स होंगे इन लोगों के बीच में, उन सब में डच बहुत ज्यादा अलग रहे। अगर पढ़े भी हैं तो इन्होंने अपने आप को वहां से अलग कर लिया था, ठीक है। तो 1602 में डच आए थे। डच से रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि इनके समय का जो पर्सन है उसका नाम आपको रखना है याद, स्टीवन
हैगन, ठीक है, स्टीवन हैगन नाम था जिसके थ्रू डचेस जो थे वो भारत के अंदर एंटर किए थे, ठीक है। तो स्टीवन हैगन का नाम आप लोग को याद रखना है कि इसके थ्रू भारत के अंदर डचेस एंटर किए थे। और 1602 की बात चल रही है, बताओ कौन मुगल एम्परर रहा होगा इस समय? अकबर रहा होगा, ठीक है, अकबर रहा था यहाँ पे मुगल एम्परर। चलिए ठीक है, इंग्लिश, अब ये इंग्लिश ऐसे हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश या ब्रिटिशर्स ही भारत के ऊपर लास्ट तक रूल करते रहे थे। तो ब्रिटिशर्स की अगर बात करें हम लोग, तो ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर सबसे पहली एंट्री, यस 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 देखो क्या होता था, हाँ देखो क्या होता था कि पूरी कंट्री है इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारी रीजन्स हैं, बहुत छोटे छोटे रीजन्स भी हैं, बड़े रीजन भी। अब किसी एक रीजन के ऊपर कोई एक पर्सन अगर रूल कर रहा है, रूल का मतलब गोवा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ये लोग सिर्फ ट्रेड के पर्पस से रुके हुए थे और गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना के रखा था इन्होंने। तो इन्होंने कहीं जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया तो इन्होंने ब्रिटिशर्स से परमिशन भी ले ली इस चीज़ की कि गोवा को हमारे कंट्रोल में रहने दीजिएगा, हम बस यहाँ से ट्रेड करते रहेंगे, वी विल नॉट फोर्टिफाई, ठीक है, हम लोग इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे या किसी रीजन को भी हम लोग कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इनके साथ एक ट्रीटी हो रखी थी, तो उस ट्रीटी के थ्रू उन्होंने उनको कंटिन्यू करने दिया। लेकिन इंडिया के साथ में क्या था, इंडिया को एक पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट स्टेट में कन्वर्ट करना था जहां पे हम किसी भी तरीके के कोई यूरोपियन या ब्रिटिशर्स किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते थे, तभी 1961 में हमने इनको भी वहां से हटा दिया। भारत के अंदर आज के टाइम में भी एंग्लो इंडियंस लोग होते हैं, ठीक है, वो एंग्लो इंडियंस कौन है, वही जनरेशन से आते हैं जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में जो मैरिजेस वगैरह हुई थी, या इन लोग के बीच में जो जितने भी फ्रेंच या डचेस रहे थे उनके बीच में जो मैरिजेस वगैरह हुई थी, तो उनसे पीढ़ी चलती चली आई है, कुछ जनरेशन उनकी चलती चली आई है, वो लोग भी होते हैं हमारे टाइम में। तो वो लोग ख़त्म नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो लोग चले गए और सब लोग निकल गए, ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ रीजन में कुछ लोग रह जाते हैं तो वो लोग कैप्चर कर लेते हैं, जैसे आज के टाइम में कई सारे ट्राइबल एरियाज हैं, वो ट्राइबल एरियाज अपने अलग ही रूल करते रहते हैं, अलग ही अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को माना करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लेके रिजर्वेशंस भी दिए, तो वो ऐसे करके होता है। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपना अलग से एस्टेब्लिशमेंट करके ऐसे रहते हैं, इनको परमिशन थी इस चीज़ की, ठीक है। चलिए हाँ, 1947 के बाद में हमको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में जब हमको आज़ादी मिल गई थी तो पूरे इंडिया पे हमको आज़ादी मिली थी कि पूरे इंडिया हमारे अंडर है। लेकिन 1947 में क्या पूरी तरीके से हम सारे स्टेट्स को अपने अंडर में ले पाए थे? नहीं ले पाए थे। उसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आता है, ये सब आप लोग क्वालिटी में पढ़ोगे, मेरा चैप्टर नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1953 से लेकर 1960 तक, ये सब प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद में कई सारे स्टेट्स आपस में उठते हैं, ब्रेक होते हैं, और वो सब बाद में जाके ऐसे कन्वर्ट होते हैं और हम उन पर पूरा पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बहुत से रीजन हैं, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, ऐसे बहुत से रीजन थे जो अंदर भारत के आना ही नहीं चाह रहे थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाह रहे थे, लेकिन उसको कैप्चर किया गया बाद में कि आपको भारत का पार्ट रहना पड़ेगा। इसी तरीके से गोवा को कैप्चर किया गया कि गोवा हमारा है, इसको हमारा पार्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, अभी भी ये तो लड़ाई अभी तक चल रही है। नेपाल नेपाल बोलता है आज तक कि काला पानी का रीजन पूरा हमारा है, काला पानी अभी नेपाल से लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। तो अगर आज के टाइम में कोई क्लेम कर दे कि हमारा रीजन है और अगर उसके ऊपर उसका क्लेम सही बैठ जाए तो वो रीजन लेके वो तब चला जाएगा बाद में, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें, इतिहास जो है हमने आपको रिपीट करता रहता है और चीज़ें जो है ये आपकी चलती चली जाएंगी, है ना। चलिए इंग्लिश पे आ जाए, अब और कोई डाउट है? चलिए ठीक है, इंग्लिश में देखो ये डिस्प्यूट जो खड़ा हुआ था, ये डिस्प्यूट हमारा क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये यही लोग थे, ये मक्कार थे सारे के सारे जिन्होंने ये डिस्प्यूट शुरू किया था। एक हुई थी एंग्लो नेपाल वॉर्स हुए थे कुछ टाइम पहले इन्हीं के समय में, तो एंग्लो नेपाल वॉर्स के अंदर एक ट्रीटी हुई थी संगोली के नाम से,
चलो भाई ये बात तो मैं बताता चलता हूँ आपको। तो ट्रीटी ऑफ संगोली जब हुई थी तो ट्रीटी ऑफ संगोली में ये चीज बोली गई थी कि नेपाल का जो रीजन है उस नेपाल, इसमें नेपाल का रीजन और सिक्किम के रीजन को लेके बात हुई थी, क्योंकि सिक्किम पहले जो था वो कहीं ना कहीं ये अपने कंट्रोल में समझा करते थे, ठीक है। तो नेपाल और सिक्किम को लेकर रीजन की बात हुई तो ब्रिटिशर्स ने बोला नेपाल और सिक्किम ट्रीटी ऑफ संगोली के थ्रू भारत का पार्ट है। सिक्किम तो उन्होंने अपना पार्ट बना लिया ट्रीटी ऑफ संगोली के थ्रू, लेकिन नेपाल को वो अपना पार्ट नहीं बना पाए। बाद में उन्होंने उसके ऊपर रूल जरूर किया लेकिन इंडिया का एक इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं बना पाए। तो ट्रीटी ऑफ संगोली में उन्होंने ये चीज बोली थी कि काला पानी से लेकर जितनी भी जगहें हैं तो वो सारी की सारी जगहें अगर हम उस पर रूल कर रहे हैं, इंडिया पे रूल कर रहे हैं, नेपाल पे रूल कर रहे हैं, तो ये सब हमारे ही हैं। तो इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया दोनों बाउंड्रीज के बीच में। अब जो भी जगह बाउंड्री पे लगती है, जैसे कश्मीर वाला डिस्प्यूट हमारा हमेशा चलता रहता है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके को लेकर हमेशा बवाल चलता है। तो ये पीओके को लेकर हमेशा क्यों बवाल चलता है? क्योंकि ये बॉर्डर वाली लाइन है कि पाकिस्तान और भारत दोनों के एरिया में पड़ती है। तो जब भी इसको लेकर डिस्प्यूट चलता है, ऐसे डिस्प्यूट काला पानी को लेकर चलता है। काला पानी क्या सिक्किम में भी रीजन है, कई सारे ऐसा चलता है। चाइना जो है अक्साई चीन वगैरह को लेकर अपना डिस्प्यूट क्रिएट करता रहता है। तो जितनी भी बॉर्डर रीजन होते हैं उन पर डिस्प्यूट हमेशा चलता रहेगा और कोई एक डिसीजन इसके ऊपर कभी भी फाइनल नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री से कभी भी बैर मोल लेके उसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते। बहुत रेयर होती है ऐसी सब चीज़ें जिसके अंदर ये सब चीज़ें की जाती हैं। अभी देख लो आप अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने पूरी तरीके से अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया, ये सब तो न्यूज़ देख ही रहे होगे आप। अब उसके अंदर कोई भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आके उसको कहीं ठीक करने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है? ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का काम तो ये होना चाहिए कि अगर वहाँ से प्रेसिडेंट चला गया है तो प्रेसिडेंट के बाद में रूल होता है कि वहाँ वाइस प्रेसिडेंट तो मौजूद है। अभी अफगानिस्तान में वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं गया, तो वाइस प्रेसिडेंट को वो सत्ता मिल जानी चाहिए थी पूरी तरीके से, लेकिन उसको पूरी तरीके से तालिबान अपने अंडर में लेके चल रहा है। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पर थोड़ा रोल प्ले करना चाहिए कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनका रवैया बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव हो जाता है खुद को लेकर। अब वो ऐसा कुछ करेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे ऊपर पूरी पूरी चीज़ आ जानी है, इसलिए वो बड़ा रिजर्व रहते हैं इन सब चीज़ों। इसलिए ऐसे डिस्प्यूट्स हमको खुद ही सॉल्व करने पड़ते हैं, हमको ही रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे तभी ऐसे डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं। खैर ये सब तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें हैं, हम लोग हिस्ट्री में रहते हैं ना, हिस्ट्री से बह के ज़रा तो हम लोग की दिक्कत हो जाएगी। चलिए इंग्लिश ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। तो ब्रिटिशर्स ये इस्टेब्लिश कैसे हुए भारत के अंदर आके? हुआ ये था कि मान लो ये दो रीजन है, ये वेस्टर्न रीजन है, ये ईस्टर्न रीजन है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पे हैं इस रीजन के ऊपर है, तो ब्रिटिशर्स को बोला गया, उस समय क्वीन थी वहां पे कौन, एलिजाबेथ, ठीक है। एलिजाबेथ ने बोला 1600 के अंदर कि हम एक कंपनी बना रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को हम ये एक पूरी तरीके से परमिशन ग्रांट करते हैं कि एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे देते हैं। मोनोपोली का मतलब इकलौता अधिकार, एक अधिकार बोलते हैं जिसको, कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो जाके ईस्टर्न साइड में क्या करेगी, ट्रेड करेगी। ईस्टर्न साइड कौन सा था, पूरा एशियन कंट्रीज थी सारी की सारी, और उस एशियन में इनको सबसे प्रॉपर जगह जो मिली वो मिली इनको इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इन्होंने ट्रेड करने को लेके ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला, एक 15 ईयर्स का क्या मिला, पास मिल गया कि 15 साल तक जाके हम फ्रीली वहां पे ट्रेड कर सकते हैं और कोई भी कंपनी किसी भी तरीके की वहां हमारे साथ में ट्रेड नहीं करेगी। तो यहां पे इनकी मोनोपोली हो गई। तो इस मोनोपोली के साथ में यहां पे 1600 में जब ये मोनोपोली ग्रांट हो गई तो 1608 के अंदर क्या हुआ, 1608 के अंदर कैप्टन हॉकिंस आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं, कैप्टन हॉकिंस का नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1608 के अंदर आते हैं कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए हैं। तो कौन रूलर रहा होगा इस समय, अकबर के बाद कौन था, जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस जब आए तो यहाँ पे तो जहांगीर क्या करता है, इनको क्या करता है, अलाउ कर देता है कि ठीक है चलिए आप अपनी यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लीजिए और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करके आप ट्रेड करना शुरू कर दें। लेकिन जो आप ट्रेड करेंगे उस ट्रेड में से टैक्सेस जो है मुगल एम्पायर को भी देंगे आप। तो इस बात को लेके इन लोग के बीच में एक डील हो गई, ठीक है। तो ये डील हो गई इन लोग के बीच में, इन्होंने इसको अलाउ कर दिया। 1608 के अंदर ये अलाउ हो गया। तो 1611 के अंदर इन्होंने
उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली, वो बिजनेस सेल कहलाई। क्या कहलाई? बिजनेस सेल, एक छोटी सी सेल की तरह इन्होंने एक फैक्ट्री डाल दी अपनी, जहाँ पे गुड्स वगैरह को रख सकते हैं वहाँ पे। तो इन्होंने एक 1611 में अपनी बिजनेस सेल डाल दी, और वो बिजनेस सेल इन्होंने जो डाली थी वो थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ पे थी? मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम आपकी जगह जो पड़ती है, ये पड़ती है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम के अंदर इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री डाल दी, और उस फैक्ट्री के अंदर जितना भी गुड्स होती थी उसको वहाँ पे रखा करते थे। तो ये बिजनेस सेल थी, एक टेम्परेरी सेल थी। ठीक है, टेम्परेरी मतलब इसको कभी भी हटाया जा सकता था, कुछ ऐसा परमानेंट था नहीं इसमें। चलिए, एक टेम्परेरी सेल को इस्टेब्लिश करने के बाद इन्होंने क्या करा, बाद में एक परमानेंट सेल इस्टेब्लिश कर दी, और वो परमानेंट सेल को इन्होंने इस्टेब्लिश करा, ठीक है, 1613 के अंदर। ठीक है, 1613 के अंदर इन्होंने क्या करी, अपनी एक फर्स्ट जो थी एक फैक्ट्री डाली, और उस फैक्ट्री को कहाँ पे डाला इन्होंने, सूरत के अंदर डाला। तो ये फैक्ट हमको याद रखने हैं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया, 1611 के अंदर इन्होंने एक टेम्परेरी सेल डाली मसूलीपट्टनम के अंदर अपनी, और 1613 के अंदर इन्होंने एक परमानेंट अपनी फैक्ट्री डाल दी, वो थी सूरत के अंदर, सूरत गुजरात। यस मसूलीपट्टनम इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है आपकी मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम के अंदर डाला था। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद में क्या हुआ, ये गुजरात के अंदर, अब सूरत के अंदर इनकी एक परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब वहाँ फॉर परमानेंट फैक्ट्री के बाद में क्या हुआ, अब एक नाम और याद रखना है आपको, 1615 के अंदर क्या होता है, थॉमस रो। ठीक है, थॉमस रो नाम याद रखना है आपको। थॉमस रो जो होता है, जैसे कि कैप्टन हॉकिंस आए थे, वैसे थॉमस रो भी आता है 1615 के अंदर। और ये 1615 के अंदर आके उन फैक्ट्रीज का क्या करते हैं, पूरी तरीके से कि जितनी भी अभी तक बिजनेस ट्रेड वगैरह चल रहे थे, उन ट्रेड का क्या होता है, एक तरीके से पास ग्रांट कर लेते हैं कि भारत के साथ ट्रेड अगर कोई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई नहीं करेगी। तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी को परमानेंट कर जाते हैं इंडिया के अंदर आके। चलिए, ये बात हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 1717, ठीक है, 1717 को याद रखना है हमको। इस समय रूलर भारत के अंदर फर्रुख शेर था। ठीक है, अगर आप लोग मुगल रूलर्स में देखोगे, इस समय भारत में फर्रुख शेर रूल कर रहा था। अब फर्रुख शेर के रूल के समय में क्या हुआ कि वहां पे एक जो था, इन्होंने क्या करा, एक फरमान ग्रांट करा। फरमान का मतलब होता है एक ऑर्डर। ठीक है, उसको फरमान बोला गया। एक ऑर्डर पास किया मुगल्स ने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे भारत के ऊपर फ्रीली ट्रेड कर सकती है, और उसको टैक्स का मात्र कितना परसेंट देना पड़ेगा, टैक्स का मात्र इनको 3-4% देना पड़ेगा, उसके अलावा आप फ्रीली पूरे भारत के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये फरमान जब इनको यहाँ मिल गया 1717 में, सो जो 3-4% क्या वैल्यू रखता होगा, तो इनको पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई कहीं ना कहीं भारत के अंदर ट्रेड करने की, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया। इसी 1717 के बाद आप देखोगे कि किस तरीके से ब्रिटिश प्रोमिनेंट होते चले गए। ठीक है, जैसा कि 1760 के अंदर बॉन्डी वॉश देख लो, 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी देख लो, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर देख लो, इन सब के बाद में ये इन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया था कि भारत के अंदर अब हम लोग रूल भी करेंगे। तो ये बैटल्स के बाद में ये चीज़ हो गई। चलिए, थोड़ी सी आगे देख लेते हैं, अब हम लोग फ्रेंच पावर को भी देख लेते हैं। फ्रेंच पावर को भारत के अंदर लाने वाला फ्रैंकोइस कैरन बंदा था। ठीक है, फ्रैंकोइस कैरन नाम था इनका। ये फ्रेंच पावर को भारत के अंदर लाए थे। ठीक है, फ्रेंच पावर भारत के अंदर कब आई थी, 1664 के अंदर, और 1668 के अंदर इन्होंने क्या करा था, अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। इनका काम क्या था, इनका काम जो उस टाइम पूछ रहे थे मछलीपट्टनम, वो ये है बेटा। ठीक है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम दोनों नाम इसको दिए जाते हैं। तो देखो, 1668 के अंदर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी। अब फ्रेंच पावर जो आई थी उसके अंदर सेम वही सारी की सारी हरकतें थी जो ब्रिटिशर्स के अंदर थी। ये लोग भी क्या करना चाहते थे, भारत के ऊपर रूल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। रूल इस्टेब्लिश करने का मतलब ये भारत के अंदर ट्रेड करके, और ट्रेड के बाद में जितने भी रीजनल पावर, छोटी छोटी पावर्स हुआ करती थी, जैसे कैलीकट में कोई पावर है, हैदराबाद में कोई पावर है, अवध में कोई पावर है, ये सब छोटी छोटी सेपरेट पावर थी, इन सब के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और कंट्रोल करके अपने रूल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये काम फ्रेंच ने भी करना
शुरू किया। तो इन्होंने जब करना शुरू किया तो इनका आपस में डिस्प्यूट हो गया, किस किस का, फ्रेंच का और इंग्लिश का। अब इनका डिस्प्यूट किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है, ये सिर्फ डिस्प्यूट के नाम पे ही याद रखे जाएंगे। अब देखो, जब ये तीन चार पावर्स आपस में किसी भी तरीके से रूल करने को जब रूल करने के लिए कोशिश कर रही हैं, ठीक है, तो इनके बीच में आपस में स्ट्रगल ऑब्वियस सी बातें होंगे, जो हम लोग कहीं ना कहीं प्रीवियस हिस्ट्री में भी देखते चले आए हैं। तो सारे पावर्स जब एक साथ भारत को ऊपर रूल करने की कोशिश करेंगे, और रूल करने की कोशिश क्यों कर रही है, क्योंकि मुगल्स वीक हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है, मुगल्स वीक हो गए हैं। मराठा जो नेक्स्ट पावर भारत के अंदर हो सकती थी, तो मराठा इतने कैपेबल नहीं थे कि पूरे भारत के ऊपर रूल कर पाए, क्योंकि वो एक वीक पावर बन गए थे कहीं ना कहीं बार बार फॉरेन इन्वेजन के थ्रू, जितने भी फॉरेन अटैक्स होते थे उनके थ्रू वो थोड़ा वीक हो गए थे। इसलिए क्या हुआ, ये पावर्स आके भारत के अंदर एस्टैब्लिशिंग। तो पुर्तगीज वर्सेस अरब्स, पुर्तगीज वर्सेस अरब्स हम लोग ने अभी पढ़ा, जैसा कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट किया था 1500 से लेके 1600 तक, ये पूरी 16 सेंचुरी की बात हो रही है। इस 16 सेंचुरी के अंदर पुर्तगीज और अरब्स में क्या हुआ, डिस्प्यूट्स चलते रहे, लड़ाइयाँ चलती रही, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, बैटल्स हुए, वॉर्स हुए, तब जाके फाइनल क्या हुआ, पुर्तगीज वहाँ से पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं और अरब्स को यहाँ से हटा दिया जाता है। कहाँ से, इंडियन कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इंडियन कॉन्टिनेंट की जब बात करते हैं हम लोग, तो अरेबियन सी भी आती है, बे ऑफ बंगाल भी आता है। तो अरेबियन सी के ऊपर किन्होंने कंट्रोल कर लिया, पुर्तगीज ने कंट्रोल कर लिया, और सी रूट के ऊपर इन्होंने क्या करा, कैरटस, ठीक है, कैरटस एक पास होता है, पास होता है, रैंसम जो होता है ना, रैंसम मतलब हफ्ता वसूली, ठीक है, जिसको हफ्ता वसूली भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, जो भी उस रूट से आएगा सी रूट के थ्रू, उस रूट से आते समय उसको क्या करना होगा, कैरटस इशू कराना होगा, और कैरटस एक पास होगा, जिसके पास कैरटस होगा वही सिर्फ और सिर्फ रूट से भारत के अंदर ट्रेड करने आ सकता है, और उस पास के ऊपर जो टैक्स या पैसा लगा करेगा उसको कौन लिया करेगा, पुर्तगीज लिया करेंगे। ये इन्होंने अपने हाथ में पावर को कहीं ना कहीं ले लिया। अब पुर्तगीज ने जब पावर को अपने में ले लिया, तो दो पावर उस समय तक और आ चुकी थी, पुर्तगाली, इसके बाद में डच आए और फिर इंग्लिश है। तो इन तीनों के बीच में आपस में डिस्प्यूट शुरू हो गया, कैसे, जिसको हम लोग ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। जब थ्री पावर्स के बीच में कोई स्ट्रगल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। अब ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जब शुरू हुआ तो पुर्तगीज, डच और इंग्लिश के बीच में शुरू हुआ कि ट्रेड एग्जैक्टली भारत के अंदर पावर रखता कौन है, क्योंकि इंग्लिश को तो कहीं ना कहीं वो 15 ईयर्स का मिला हुआ था पास, ठीक है। डचेस भी बोल रहे थे कि हम भी यहाँ पे ट्रेड करेंगे, पुर्तगीज बोल रहे थे नहीं, हम तो पहले से ट्रेड करते आ रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, अरेबियन रूट्स भी हमारे पास में। तो इन तीनों के बीच में इस चीज़ को लेके स्ट्रगल हो गया। अब मैंने आपको बताया था डच इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, ठीक है, डच किसी भी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, ये खुद को लेके सेपरेट हो गए यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से अलग हटे। इन्होंने बोला हमें तो सिर्फ स्पाइसेस से मतलब है, स्पाइसेस मतलब जो भी हमें स्पाइसेस मिल जाए कहीं से भी मिल जाए, और अगर स्पाइसेस हमको मिल जाते हैं तो हम भारत के अंदर रह के क्यों इन सब डिस्प्यूट्स के अंदर उलझे। तो ये लोग चले गए भाई भारत के, ये भारत है, भारत के नीचे ये वाला रीजन जो था ये लगता है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जगह पड़ती है जावा और सुमात्रा, ठीक है, जावा और सुमात्रा का रीजन जो था इंडोनेशिया के अंदर, ये लोग वहां पे चले गए और स्पाइसेस का अपना ट्रेड वहां से करने लगे। तो डच तो यहाँ से खत्म हो गए, ठीक है, इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया यहाँ से। अब कौन कौन बचा है, पुर्तगीज वर्सेस इंग्लिश, ये वॉर बचा सिर्फ इन दोनों के बीच में। अब ये जब वॉर चल रहा था कहीं ना कहीं, इस स्ट्रगल को कैसे शांत किया गया या खत्म किया गया, तो इस स्ट्रगल को खत्म किया गया एक बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से, और वो तरीका था मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या था, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में, पुर्तगीज और इंग्लिश के बीच में, ठीक है। इंग्लिश के प्रिंस थे, इंग्लिश या ब्रिटिशर्स की तरफ से एक प्रिंस थे, इनका नाम था प्रिंस चार्ल्स, ठीक, इनका नाम था प्रिंस चार्ल्स। पुर्तगीज की तरफ से एक प्रिंसेस थी, इनका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा, क्या नाम था, कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है। ये दोनों के आपस में क्या होता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब शादी हो जाती है दोनों की आपस में। और जब इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है, ये बात कर रहा हूँ मैं 1662 की, कब की बात कर रहा हूँ, 1662 की। तो 1662 के अंदर इन दोनों का आपस में क्या होता है, एक मैरिज प्रपोजल रखा जाता है कि वॉर को चलो ख़त्म करते हैं, आपस में रिलेशंस करते हैं कुछ इस तरीके के। तो इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है तो ये पुर्तगीज जो थे इनके पास में क्या था, इनके पास में था बॉम्बे,
ठीक है, इनके पास में क्या था, बॉम्बे था। बॉम्बे पे कंट्रोल पुर्तगीज का था, तो बॉम्बे पे कंट्रोल जो होता है पुर्तगीज का रहता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि पुर्तगीज दहेज, दहेज जो होता है ना डाउरी, डाउरी के रूप में क्या करते हैं इंग्लिश को एज अ गिफ्ट दे देते हैं। ठीक है, बॉम्बे को गिफ्ट में दिया जा रहा है। देखिए जरा, भारत का कोई भी नहीं है इनमें से, ना पुर्तगीज है ना इंग्लिश है, कोई भी नहीं है भारत का। और भारत की जगहों को आपस में क्या है, डाउरी या गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को दिया जा रहा है। तो क्या याद रखना है कि पुर्तगीज ने क्या करा, बॉम्बे को डाउरी के रूप में या गिफ्ट के फॉर्म में किसको दे दिया, इंग्लिश को दे दिया। अब जब इंग्लिश को दे दिया तो इंग्लिश के ये जो प्रिंस चार्ल्स थे, इनके हाथ में आया होगा बॉम्बे, इनको मिला होगा। प्रिंस चार्ल्स ने क्या करा, इस बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, लीज के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे मिल गया 1668 के अंदर। अब बॉम्बे पे कंट्रोल किसका हो गया, इंग्लिश का हो गया। और बॉम्बे एक नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर का मतलब है ये कि वहाँ पे जो ट्रेड होता था, मैंने पहले भी बोला है कि तीन जगह पे जो कंट्रोल कर लेता था वो पूरे भारत पे कंट्रोल करे वो कहलाता था। जैसे पहला रीजन हमने बॉम्बे बोला, दूसरा बंगाल था एक रीजन, और तीसरा दिल्ली रीजन था। इन तीन रीजन के ऊपर अगर कोई कंट्रोल कर लेती थी पावर, तो उसका मतलब था कि वो पूरे भारत के ऊपर कंट्रोल कर लेता। तो इसका कंट्रोल अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था 1668 के अंदर। ठीक है, तो ये वाला डिस्प्यूट तो ऐसे खत्म हो गया। चलिए एंग्लो फ्रेंच वॉर्स की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। अब एंग्लो फ्रेंच वॉर, पुर्तगीज भी गए खत्म, डच तो खत्म हो चुके थे। देखो डेन्स एक पावर और थी, लेकिन डेन्स कभी भी किसी तरीके के डिस्प्यूट में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। वो बहुत शांति से रहे भारत के अंदर, ट्रेड करते रहे, ट्रेड करते करते कब चले गए पता भी नहीं लगा। ठीक है, तो ये जो फसाद फैलाए हुए थे ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, पुर्तगीज, डच या फ्रेंच फैलाए हुए थे। उनमें से भी देख लो, पुर्तगीज खत्म, डच खत्म, और अब कौन बचा है, इंग्लिश बचा है। ठीक है, और इंग्लिश के साथ में और कौन बचे हैं, फ्रेंच बचे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इंग्लिश और फ्रेंच इन दोनों के बीच में आपस में स्ट्रगल होंगे, और इस स्ट्रगल के बाद में ये डिसाइड होगा कि रियल पावर कौन होगी भारत के ऊपर जो रूल करेगी। तो इन दोनों में जब स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, फ्रेंच के ऊपर या फ्रेंच या इंग्लिश के ऊपर, तो ये दोनों रूल को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों सदर्न एरिया के ऊपर डिस्प्यूट कर रहे थे। साउथ का जो रीजन था, मैंने बताया कोस्टल रीजन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करते थे, रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वहां कोस्टल रीजन से ही ट्रेड अच्छा हो जाता था। तो ये लोग क्या थे, कहीं ना कहीं पहले जो थे, ये जो कर्नाटक रीजन है, जो इनके बीच में वॉर शुरू हुए हैं वो इसी रीजन को लेके शुरू हुए थे, कर्नाटक रीजन को। कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर एक जगह पड़ती है कर्नाटक। तो हम लोग एक एक करके इनके थ्री वॉर्स हुए हैं टोटल, तीन वॉर्स को एक एक करके देख लेंगे। वॉर्स की आपको डेट याद रखना है, वॉर्स का रीजन याद रखना है आपको, और वॉर के अंदर अगर कोई ट्रीटी हुई है, ट्रीटी मतलब ट्रीटी क्या होता है, एक तरीके से दोनों पावर्स के बीच में कोई सहमति हुई है, ठीक है, तो उसको ट्रीटी कहते हैं। अगर कोई ट्रीटी हुई है तो उस ट्रीटी का नाम याद रखना है, इतना करना है वॉर से रिलेटेड हमको। जैसे अब देख लो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, इसको बोला गया 1746 और 48। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आपका फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी पूछ भी सकता आपसे एंग्लो फ्रेंच। एंग्लो किसको बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स को बोल रहे हैं, फ्रेंच तो फ्रेंच है। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको एक नाम और दिया जाता है, वो नाम भी आप लोग याद रखिएगा, वो नाम है सेंट थोम वॉर। ठीक है, इसको बोला जाता है सेंट थोम वॉर। तो इन तीन नाम से इस वॉर को जाना जाता है। अगर इन तीनों में से कोई भी नाम आपके सामने आ जाए तो आपको तुरंत याद आना चाहिए ब्रिटिशर्स और फ्रेंच पावर्स के बीच में ये वॉर हो रहा है। चलिए, ये वॉर शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ इस वॉर के अंदर, कौन कौन मेन प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो इस वॉर को कहीं ना कहीं हेड कर रहे थे, तो हमको ये समझना है। देखिए, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो रीजन था इसके पीछे स्टार्ट होने का, वो रीजन ये भारत ही तो था। भारत के अंदर जो कर्नाटिक रीजन हम लोग ने बताया वो तमिलनाडु का रीजन था, उस कर्नाटिक रीजन के ऊपर रूल कौन करेगी, कौन सी इंडियन पावर रूल करेगी। मैंने बताया छोटे छोटे सेपरेट पावर्स में डिवाइड हो गई थी इंडियन पावर्स, जैसे कर्नाटिक रीजन था उसके ऊपर भी एक पावर रूल किया करती थी। तो उस कर्नाटिक पावर के ऊपर वैसे तो हैदराबाद का कंट्रोल रहता था, लेकिन हैदराबाद से कंट्रोल को इन्होंने कहीं ना कहीं छुड़वा के और वहां पे अपने रूलर एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या हुआ, कर्नाटिक वॉर के अंदर इन्होंने क्या करा कि वहां पे अपने रूलर को एस्टेब्लिश करना शुरू किया। तो ये हुआ क्या यहाँ पे, अगर रीजन पूछेगा किस रीजन की वजह से हुआ, तो वॉर ऑफ सक्सेशन इन कर्नाटक।
ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन इन कर्नाटक, उस रीजन की वजह से यहाँ पे वॉर एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ये जो अनवरुद्दीन, इनका नाम याद रखना है आपको, अनवरुद्दीन को वहां पे क्या करना था, इस्टेब्लिश करना था नेक्स्ट रूलर। ठीक है, तो अनवरुद्दीन ने क्या करा कि इनको क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहा है इनको, ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने इनसे बोला कि आपकी जगह पे फ्रेंच पावर जो है आके कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो फ्रेंच पावर को हटाओ, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स के ऊपर फ्रेंच, सॉरी, इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने मिलकर किसके साथ में, अनवरुद्दीन के साथ में मिलकर फ्रेंच पावर के ऊपर अटैक करा दिया। ठीक है, अब फ्रेंच पावर के ऊपर जब इन्होंने अटैक करा दिया तो फ्रेंच पावर हारी नहीं, फ्रेंच पावर वहां से इसको हरा देती है और हराने के बाद में कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच पावर उस टाइम पे काफी मजबूत थी, कहीं ना कहीं उसका रीजन था डुप्ले। ठीक है, ये क्या था उस समय पे, वहां पे गवर्नर था या मिलिट्री लीडर था, तो इस डुप्ले ने वो कमांड जो थी, कमांडर इन चीफ था ये कहीं ना कहीं, तो इसने उसको ही अपने हाथ में इतना मजबूती से लिया हुआ था कि इसने बहुत आसानी से क्या करा, इन ब्रिटिशर्स को या अनवरुद्दीन को वहां से हरा के डिस्प्लेस कर दिया वहां से। ठीक है, अब डिस्प्लेस करने के बाद में क्या हुआ, अब डिस्प्यूट खड़ा हो गया था दो रीजन को लेके। ठीक है, एक तो रीजन था भाई पॉन्डिचेरी, ठीक है, ठीक, और एक रीजन था आपका मद्रास। ठीक, तो ये मद्रास और पॉन्डिचेरी को लेकर डिस्प्यूट खड़ा हो गया था ये कि कौन सी पावर किसके पास में है। तो जो मद्रास का रीजन था, देखो मद्रास का रीजन था ब्रिटिशर्स के पास में, इंग्लिश के पास में, और पॉन्डिचेरी का रीजन था फ्रेंच के पास में, ये याद रखना है हमको कर्नाटिक वॉर्स के अंदर। तो मद्रास के रीजन को भी क्या करा इन्होंने, फ्रेंच पावर ने क्या करा, कैप्चर कर लिया। ये मद्रास के रीजन को भी इन्होंने क्या करा, कैप्चर कर लिया। अब कंट्रोल पहले वॉर के अंदर पूरा पूरा किसके पास में आ गया, फ्रेंच पावर। फ्रेंच पावर सुपीरियर प्रूव होती है यहाँ से, और उसके बदले में एक ट्रीटी हो जाती है, वो ट्रीटी, जो ट्रीटी का नाम याद रखना हमको, एक्स-ला-शैपल। कौन सी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपल होती है। जब भी ट्रीटी होगी मतलब वॉर खत्म हो गया, तो वॉर का एंड होता है ट्रीटी के नाम से। जब भी कोई वॉर एंड होता है, या तो वॉर के अंदर विक्ट्री होती है, डिसीजन ले लिया जाता है कि खत्म, मतलब अब ये वॉर खत्म हो गया, इसमें ये पावर आ जाएगी और बात खत्म, या तो फिर उसमें एक ट्रीटी हो जाती है, दोनों पावर्स के बीच में आपस में सहमति हो जाती कि चलो आप भी रहो हम भी रहो, दोनों लोग मिलके यहां पे रूल करते हैं। तो यहां पे होगी ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपल 1748 के अंदर। ठीक है, हाँ देखो, मद्रास जो था इस ट्रीटी के थ्रू क्या हुआ, वापस से किसको दे दिया गया, ब्रिटिशर्स को दे दिया गया कि आप चलो मद्रास को रख लो, मद्रास आपका था, कैप्चर तो फ्रेंच ने कर लिया था इसको, लेकिन मद्रास को वापस उन्होंने कर दिया कि आप लोग वहाँ से ट्रेड कर लो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपल हुई थी। ब्रिटिशर्स यहाँ पे कमज़ोर हुए, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा वरना भारत से हटा दिए जाएंगे, तो उन्होंने फोर्स किया इन लोगों को कि ट्रीटी कर लो एक हम लोग के साथ में, दोनों मिलकर कहीं ना कहीं ट्रेड करेंगे, तो ट्रीटी हो गई वहाँ पर। लेकिन ये लोग थोड़े इन्फीरियर यहाँ पर प्रूव हुए, कहीं ना कहीं हारते चले जा रहे थे। फ्रेंच ट्रीटी के लिए राजी क्यों हो गया, फ्रेंच ट्रीटी के लिए इसलिए राजी हो गया क्योंकि इन फ्यूचर ब्रिटिशर्स को यहाँ पे रूल करना था। ठीक है, नहीं, रीज़न ये नहीं था, रीज़न ये था कि फ्रेंच पावर जो थी वो राजी इसलिए हो गई थी क्योंकि वो इंटरनल डिस्प्यूट से कहीं ना कहीं परेशान थी। यूरोप के अंदर एक डिस्प्यूट और चल रहा था, यूरोपियन रीजन के अंदर एक डिस्प्यूट और चल रहा था, वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ये दोनों पावर्स आपस में लड़ रही थी, और इन दोनों पावर्स को वहाँ पे ऑस्ट्रिया एक जगह पड़ती है ब्रिटिश के अंदर, ठीक है, वो सॉरी यूरोप के अंदर, तो उस ऑस्ट्रिया को लेके वॉर चल रहा था। तो ये दोनों वहां पे कहीं ना कहीं एक शांति या पीस लाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं आ पा रही थी। मौका कहां मिल गया, भारत के अंदर मिल गया। अगर यहां पे एक ट्रीटी को साइन कर लिया जाता है तो चलो वहां पे भी एक ट्रीटी हमको कहीं ना कहीं साइन हो जाएगी। ये रीजन था रियल जिसकी वजह से इन्होंने आपस ट्रीटी कर ली। अब सेकेंड कर्नाटिक वॉर जब होता है उसका रीज़न ये होता है कि ब्रिटिशर्स को अपनी हार मंजूर नहीं थी, उनको लगा कहीं ना कहीं हम इन्फीरियर प्रूव हुए, तो उन्होंने फिर से डिस्प्यूट करना क्रिएट करा कहीं ना कहीं। ठीक है, फ्रेंच ने क्या करा था, यहाँ पे सलाबत जंग थे एक पर्सन, ठीक है, इन सलाबत जंग को यहाँ पे रूलर बना दिया था। ठीक है, और उसके बाद में जब यहाँ पे रूलर बना दिया इनको, तो रूलर बनाने के बाद में ये चीज़ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थी, तो उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि सलाबत जंग को हम क्या कहेंगे, रूलर नहीं मानते, आपको इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब देखो यहाँ पे एक ऑफिशियल था बसी, ठीक है, ये बसी पर्सन था, कहाँ का, फ्रेंच का था,
ठीक है, फ्रेंच का था ये भी पर्सन, तो ये फ्रेंच का पर्सन था, डुप्ले की जगह उस रीजन को संभाल रहा था, हैदराबाद के रीजन को ही अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, कर्नाटक का रीजन जो था, ये तो चलो हैदराबाद की बात हो गई, सलाबत एक तो ये रीजन हो गया कि ये लोग फेवर नहीं किए, फ्रेंच ने इनको एस्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो थे चंदा साहब, ठीक है, चंदा साहब को फ्रेंच ने कर्नाटक के अंदर रूलर बना दिया। ये दोनों अगेंस्ट में थे ब्रिटिशर्स के, कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे चंदा साहब या सलाबत जंग दोनों रूलर बने इन दोनों रीजन के, लेकिन इनको रूलर बना दिया गया। तो इसको लेके डिस्प्यूट फिर से खड़ा हो गया, और डिस्प्यूट की वजह से क्या हुआ, ये रॉबर्ट क्लाइव इस समय भारत के अंदर आ चुके थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इसको मास्टर ऑफ कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, मतलब ऐसी कॉन्स्पिरेसी किया करता था ये कहीं ना कहीं, कि जो आपने कहावत सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका डाए, तो ये ऐसे ही काम किया करता था, कि घर के लोगों को अपनी साइड में मिला लिया करता था और उन्हीं के थ्रू गद्दारी करवा के उस पावर को खत्म करवा दिया करता था, इसलिए इसको मास्टर ऑफ कॉन्स्पिरेसी कहा जाता। तो ये समय आ चुका था, इसने क्या करा, अर्कोट के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक कर दिया। अर्कोट भी यही कर्नाटक का रीजन है आपका। ठीक है, तो यहां से चंदा साहब को क्या करा गया, वहाँ पावर से हटा दिया गया, और चंदा साहब को जेल करा दी गई, और वहाँ से उनको पावर से हटा दिया गया, नया रूलर बना दिया गया, ब्रिटिशर्स ने इसको रूलर बना दिया मोहम्मद अली को। ठीक है, चंदा साहब को हटा के ब्रिटिशर्स ने किसको रूलर बना दिया, मोहम्मद अली को। अब मोहम्मद अली यहाँ पर रूल करने आ गया, ये तो ब्रिटिशर्स के साइड का पर्सन था, फ्रेंच पावर को कहीं ना कहीं ये चीज़ गवारा नहीं हुई, तो ये सब क्या हुआ, एक कन्वर्ट हो गया वॉर के अंदर। इन दोनों के बीच में वॉर होता है, वॉर के नाम पर फिर से जो डुप्ले होता है, ये डुप्ले होता है जो सेकंड वॉर के अंदर भी डुप्ले जो होता है कहीं ना कहीं पूरी फ्रेंच पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल करके और फिर से इनके ऊपर सुपीरियर प्रूव हो जाती है फ्रेंच पावर। लेकिन सेकंड वॉर के अंदर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स जो खड़े हो गए थे, उन डिस्प्यूट की वजह से फ्रेंच पावर थोड़ी वीक भी पड़ जाती है। ठीक है, यहां से वीक होना शुरू होती है, फिर यहां पे क्या होती है, ट्रीटी होती है एक साइन ऑन, उसको बोलेंगे ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। और ये कौन सी सन में होगी या कौन सी डेट पे होगी, बताओ कब होगी ये साइन ट्रीटी, इसका ईयर क्या होगा, जब वॉर एंड होता है, तो वॉर एंड होते ही ट्रीटी होती है ना, तो इसकी ट्रीटी कब वॉर एंड हो रहा है, 1754 में हो रहा है ना, तो ये ट्रीटी भी साइन कब होगी, 1754 में साइन होगी। ठीक है, तो ट्रीटी साइन हो गई सेकंड कर्नाटिक वॉर के अंदर। अब सेकंड कर्नाटिक वॉर के बाद में आपको पढ़ना है थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर के अंदर क्या होता है, डुप्ले को फ्रेंच कंपनी जो थी वापस बुला लेती है, फ्रेंच पावर वापस बुला ली जाती है। अब डुप्ले की जगह जो नए आते हैं वो है काउंट डी लली। ठीक है, काउंट डी लली और एक तरफ थे बसी। ठीक है, ये दोनों भारत के अंदर फ्रेंच पावर की तरफ से रहते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में आपस में इतना डिस्प्यूट रहता है कि फ्रेंच पावर को ये लोग सही से कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बॉन्डी वॉश का बैटल होता है। ठीक है, बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश होता है, ये याद रखना आपको, 1760 के बीच में होता है। किस किस पावर के बीच में होता है, ब्रिटिशर्स के बीच में होता है और फ्रेंच पावर के बीच में होता है, बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश 1760 के अंदर। ठीक है, बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश के अंदर ब्रिटिश के साइड से सर आयरकोट रहते हैं। ठीक है, और इनके साइड से कौन रहता है, काउंट डी लेली रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से पूरी तरीके से फ्रेंच पावर को क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं, फ्रेंच पावर को 1760 के अंदर क्या होता है, गिवअप करना पड़ता है, कि ठीक है आप ही की पूरी सत्ता है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये मद्रास पौंडीचेरी सब कैप्चर करके अपने पास में रख लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, 1763 में एक ट्रीटी और हो जाती है, ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। उस ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर क्या होता है, ये जो पौंडीचेरी थी जो उन्होंने कंट्रोल कर ली थी अपने पास में, ये फ्रेंच पावर को ये लोग वापस कर देते हैं, कि चलो फ्रेंच पावर जो है पौंडीचेरी के रीजन पर रहेगी, लेकिन एक शर्त दे दी जाती है कि आप फोर्टिफाई नहीं करोगे, मतलब इस पावर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ इसी रीजन के अंदर ट्रेड करोगे, और अगर बढ़ने की कोशिश करोगे तो हमसे परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, इंडिया जो था 18th सेंचुरी के अंदर, भारत जो था 18वीं शताब्दी या 18th सेंचुरी के अंदर किस तरीके से आपका इस्टेब्लिश हुआ। 18th सेंचुरी का मतलब है कि हम लोग जो मुगल रूलर्स पढ़ रहे थे, तो मुगल रूलर्स के समय में क्या हुआ, 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी पावर्स थी। 18th सेंचुरी का मतलब हो रहा है 1700 से लेके 1800 तक की बात हो रही है।
ठीक है। तो इस 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी पावर्स थी छोटी 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 जिन्होंने अपने आप को सेपरेट करना शुरू कर दिया था। उन पावर्स के अंदर जो मुगल के रूल के अंदर आती थी, मुगल एम्पायर के अंदर आती थी, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं कि इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स का कहीं ना कहीं हम लोग राइज देखेंगे, और वो इंडिपेंडेंट पावर्स कौन कौन सी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। मराठास पे एक इंडिपेंडेंट पावर, मराठास ने अपने आप को मुगल से अलग किया, मुगल से अलग रखा इन्होंने। वैसे तो मराठास को कहीं ना कहीं स्टार्ट करने वाले शाहजी थे, जो शाहजी था, ये नाम आपको याद रखना है शाहजी नाम को। तो शाहजी ने क्या करा था, मराठास पावर को कहाँ पे स्टार्ट किया था, ये अहमदनगर एक जगह पड़ती है, अहमदनगर के अंदर शाहजी ने क्या करा, मराठा पावर को इस्टेब्लिश किया मिड 1650s के अंदर। ठीक है, मिड 1650s के अंदर इन्होंने क्या करा था, मराठा पावर को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। अब मराठा पावर को इस्टेब्लिश करने के बाद मराठा पावर क्या हुई, एक जनरेशन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम नए रूलर उसके अंदर आते चले गए। तो ये अहमदनगर का जितना भी रीजन, मतलब मान लो मेनली महाराष्ट्र रीजन को ये कैप्चर करा करते थे, उसके बाद इनके जो नया ड्रीम था कि कर्नाटक का रीजन है उसको हमको कैप्चर करना है। एक टाइम को इनका ड्रीम हो गया था कि अटक से लेके कटक तक, ठीक, अटक से लेके कटक तक इनका ड्रीम था कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक रूल करना है। जैसे औरंगजेब का सपना था डक्कन की पॉलिसी को अपना के पूरे डक्कन के ऊपर रूल करना, इसी तरीके से इनका भी कहीं ना कहीं ख्वाब था। अटक पड़ता है आपका पाकिस्तान के अंदर, और कटक पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर, मॉडर्न टाइम उड़ीसा। तो ये यहाँ से यहाँ तक रूल करना चाहते थे। ठीक है, तो हमको इसके अंदर ये याद रखना है कि इस्टेब्लिश किसने किया है, शाहजी ने किया, शाहजी के टाइम पर ये इस्टेब्लिश हुआ। सबसे मेन इस टाइम के याद रखने हमको शाहू, ठीक है, शाहू जो पर्सन थे, शाहू पर्सन को क्या हुआ था, ये जो थे इनके समय में जो मराठा सत्ता है, ठीक है, मराठा सत्ता का सेकंड फेज इनके टाइम से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मुगल रूलर में से औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने अपनी सत्ता में इनको कहीं ना कहीं क्या करा था, एक गिरफ्त में रखा था, प्रिजन करके रखा हुआ था। तो उस समय इनको इंडिपेंडेंट किया जाता है जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ के बाद में ये क्या करते हैं, आके पूरी तरीके से एम्पायर को नया बिल्ड करते हैं और मराठा सत्ता को अलग करते हैं। शाहू के बाद में आपको बालाजी विश्वनाथ का नाम याद रखना है। बालाजी विश्वनाथ ने आगे क्या के क्या करा, उस पावर को, मराठा पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। ठीक है, मराठा पावर के अंदर नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो बाजीराव वन को याद रखना है। बाजीराव वन ने क्या करा, बाजीराव वन ये सब पेशवा होना शुरू हो गया बाद में। ठीक है, ये देखो शाहू जो थे मेन किंग थे। किंग एक होता है, एक मोनार्क होता है। जैसे आज के टाइम में अगर आप इंग्लैंड के अंदर देखो, ब्रिटिश इंडिया के अंदर देखो, ब्रिटिशर्स जितने भी थे या ब्रिटिश के अंदर देखो आप, तो वहाँ पे एक क्वीन होती है। ठीक है, क्वीन होता है, किंग होता है, जो भी है आज के टाइम में क्वीन चलती है वहाँ पे। तो क्वीन एक होती है, ठीक है, एक पोस्ट है, हायरार्किकल पोस्ट है कि वो किंग क्वीन वहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा वहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रहता था कि शाहू के बाद में शाहू तो यहाँ के किंग रहते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए थे, वहाँ पेशवा लोग बन गए थे। ठीक है, पेशवा एक सेक्ट था मराठास के अंदर, तो पेशवा लोग वहाँ पे बन गए थे। तो पेशवा के अंदर बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद में बाजीराव वन, और उसके बाद में उनके बेटे बालाजी बाजीराव, ये सब क्या हुआ, एक एक करके कहीं ना कहीं मराठास को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करते चले गए। इनके समय की चीज़ याद रखना आपको, पूना या पुणे को इन्होंने क्या करा था, हेड क्वार्टर बनाया था और मराठा का कैपिटल बनाया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या हुआ कि मराठा पावर पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई। वो रीज़न था ये पर्सन, कौन है ये, अहमद शाह अब्दाली। मैंने बताया था आपको कि 1761 के अंदर भारत के ऊपर अटैक करता है। अहमद शाह अब्दाली कौन था, 1739 आप सबको याद होगा, नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह एक पर्सन था। नादिर शाह ने भारत के ऊपर अटैक किया था 1739 में, बहुत बुरी तरीके से लूटपाट करके यहाँ से चला गया था। उसके बाद में ये जो अहमद शाह अब्दाली था, ये नादिर शाह का ही बेटा था, उनके सुपुत्र थे ये। तो इन्होंने आके भारत के ऊपर अटैक करा 1761 के अंदर, और 1761 के अंदर मुगल पावर जो थी बहुत वीक हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं थी कि वो उनको फेस कर पाते। तो ये डिसीजन किसने लिया, मराठास ने इनको अपने हाथों में लिया कहीं ना कहीं, कि अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन को हम लोग
फेस करेंगे। तो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में बैटल होता है जिसको हम लोग बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं 1761 में। लेकिन क्या होता है, और ये थर्ड बैटल था ठीक है, लेकिन क्या होता है, मराठा पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितना स्ट्रांग अहमद शाह अब्दाली ने अटैक आके किया था। तो मराठा पावर यहाँ पर क्या होती है, पूरी तरीके से फेल हो जाती है, और फेल होने की वजह से मराठा पावर यहाँ पर पूरी तरीके से क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। जो एक चांस था कि आगे मुगल्स के बाद में अगर कोई रूल कर सकता है तो वो रूल मराठास कर सकते हैं, तो ये मराठा पावर यहाँ से आके पूरी तरीके से अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की वजह से ख़त्म हो जाती है। अगर ये यहाँ पे जीत जाते मराठास कहीं ना कहीं, तो भारत के ऊपर अगले रूलर कौन होते, ब्रिटिशर्स की जगह वो मराठास हो सकते थे। ठीक है, देखिए बंगाल, बंगाल की बात जब चलती है तो बंगाल के बाद से हमको नाम याद आ जाना चाहिए तुरंत, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां का नाम याद रखना। इन्होंने क्या करा 1713 के अंदर, ठीक है 1713 के अंदर क्या करा, बंगाल को एक इंडिपेंडेंट रीजन बनाया। इंडिपेंडेंट रीजन कि अब हम लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हमको चाहिए और हम अपने रीजन के ऊपर खुद कंट्रोल करेंगे। मुगल के अंडर में रह के इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो बंगाल कब हुआ, 1713 के अंदर या 1730 के अंदर, 13 के अंदर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, अब उस इंडिपेंडेंट करने में मुर्शिद कुली खां का नाम आता है। मुर्शिद कुली खां के बाद में इनके जो बाद में आए थे वो थे अली वर्दी खां। ठीक है, अली वर्दी खां के बाद में क्या हुआ, अली वर्दी खां के बाद में जो बंगाल था वो पूरी तरीके से क्या हुआ, एक ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने वहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो उन ट्रेड की वजह से बंगाल के अंदर क्या हुआ, वो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए और वहाँ पर वॉर्स, अभी बैटल्स पड़ेंगे हम लोग, बहुत सारे वॉर आएंगे। तो वॉर्स आएंगे बंगाल के साथ में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वॉर्स आएंगे वो दो वॉर्स हम लोग को पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, दो वॉर्स हम लोग को पढ़ने हैं। पहला तो 1757 का पढ़ना है, ठीक है, ये था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और एक बैटल हम लोग को पढ़ना है 1764 का, ये था बैटल ऑफ बक्सर। इन दोनों के अंदर बंगाल कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, इसलिए ये दोनों बैटल इससे रिलेटेड है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अवध, अवध का जो सेपरेट कराने वाला था वो सादत खां था। ठीक है, सादत खां मुगल में ही कहीं ना कहीं एक क्या था, वहाँ पे गवर्नर रहता था। ठीक है, मुगल सत्ता के अंदर ही जो था, लेकिन इसने क्या करा, अवध को लेके, अवध जो आज का रीजन है फैज़ाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, ये बहुत बड़ा रीजन था कहीं ना कहीं, जो पूरा अवध कहलाया करता था। इसने अवध को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, और ये डेट थी 1722, 1722 के अंदर ये अवध को लेके चले गए। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, सादत खां याद रखो आप लोग, फिर सफदरजंग, सफदरजंग का नाम याद रखना, ये सादत खां के भतीजे थे, ठीक है, नेफ्यू थे उनके, इन्होंने आगे इसको संभाला। शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि जब सेकंड बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर जिसकी बात हम लोग करते हैं, तो उस बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ये शुजाउद्दौला जो आते हैं वो आगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होकर बंगाल का साथ देना शुरू कर देते हैं, और बंगाल, बंगाल, अवध और मुगल, ठीक है, ये तीन मिलके बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं, किसके अगेंस्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, तो वो हम लोग बैटल की बात करेंगे। तीसरा देखो आया है हैदराबाद का नाम। अब हैदराबाद का जब नाम आएगा तो हैदराबाद को अलग कराने वाला कौन था, ये हैं आपके निज़ामुल मुल्क। ठीक है, या इनको आसफ़ जहाँ के नाम से भी जाना जाता है, या इनका एक नाम और है वो भी कभी कभी पूछ लेता है, ये है चिंतकलिच खां। ठीक है, चिंतकलिच खां भी इनका एक नाम था, तो चिंतकलिच खां के नाम से भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो 1724 के अंदर इन्होंने क्या करा था, हैदराबाद को सेपरेट कर लिया था। ठीक है, अब हैदराबाद को सेपरेट लेके ये अलग चले गए। निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ ये हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनका टाइम पीरियड 1724 से लेके 48 तक था। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं हैदराबाद को इस्टेब्लिश करा, और उसके बाद में आपको याद रखना है कर्नाटक, जिसके लेके अभी जितना भी डिस्प्यूट चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, उसको को लेके ये कर्नाटक रीजन के ऊपर इन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है, नाम आपको यहां पे याद रखने हैं, एक सादतुल्ला खां, सादतुल्ला खां। ठीक है, सादतुल्ला खां के बाद में उनको जो हटा के वहाँ पे रूल किया था वो थे दोस्त अली खां। ये दोनों नाम कर्नाटक रीजन से आपको याद रखने कि कर्नाटक रीजन के ऊपर इन दोनों ने कहीं ना कहीं रूल किया। मैसूर, ठीक है, मैसूर नाम आप लोग टीपू सुल्तान बार बार सुनते रहते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये नाम। तो ये टीपू सुल्तान या हैदर अली ने इसकी शुरुआत की थी कहीं ना कहीं। हैदर अली ने क्या करा था 1761 के अंदर,
ठीक है, 1761 के अंदर हैदर अली ने क्या करा, वहाँ पे गया मैसूर के अंदर, और मैसूर के अंदर जाके वो जो पावर पे वहाँ पे एक वडियर डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही थी। कौन सी डायनेस्टी? वडियर डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही थी, और उस वडियर डायनेस्टी को हटा के अपने रूल को इस्टेब्लिश करता है वहाँ पे हैदर अली। और हैदर अली टीपू सुल्तान वहाँ पे अपने रूल को इस्टेब्लिश करके रखते हैं 1800 तक लगभग। उसके बाद में सब्सिडरी अलायंस आके क्या होता है, इसको मैसूर को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, हैदर अली देख लो, टीपू सुल्तान देख लो, इन सब की बात हम लोग करेंगे जब बैटल्स में हम लोग देखेंगे। राजपूत आखिरी ये आपके हैं, राजपूत। तो राजपूत ने क्या करा, अपना जो राजस्थान का पूरा रीजन है, ठीक है, राजस्थान के अंदर जो रीजन है, उस राजस्थान के रीजन में जयपुर, ठीक है, जयपुर के बाद जोधपुर, और जोधपुर के बाद में उदयपुर, ठीक है, इन तीन जगहों को अपना कहीं ना कहीं कैपिटल या रीजन बनाया। उन रीजन के ऊपर राजपूत ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। वैसे तो राजपूत हमेशा से मुगल्स के दोस्त रहे थे, मुगल्स के साथ ही में सत्ता में रहते थे कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ राजपूत ऐसे भी थे, सेक्ट थे राजपूत के कई सारे, उन सेक्ट में से कुछ राजपूतों ने क्या करा था, विद्रोह भी किया था मुगल्स का, ठीक है, अपोजिशन में भी रहते थे, तो उन्होंने भी अपने आप को क्या करा, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो राजपूत जो थे वो राजपूत किस तरीके से पूरी तरीके से मुगल से अलग रहे थे, और उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ बनाया था, वो राजस्थान के जो रीजन है उन रीजन के अंदर बनाया था। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन वो राजपूत थे, जैसे राजा सवाई जय सिंह, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, ये पूरे कहीं ना कहीं अंबेर के रूलर थे उस समय के, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ के आर्किटेक्चर को इस्टेब्लिश किया जयपुर के अंदर, या जो भी चीज़ें उन लोग को अगर देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिट इनको ही जाता है उसको इस्टेब्लिश कराने का। ठीक है, जैसे जंतर मंतर आप लोग देख लेते हो, ठीक है, तो इसी तरीके से, और बहुत ही साइंटिफिकली प्लान करके इन्होंने कई सारी चीज़ों को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। ठीक, तो ये जितनी भी पावर्स थी, रीजनल पावर्स थी, रीजनल पावर्स की जो हम लोग ने बात की, वो रीजनल पावर्स जब वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई तो इन रीजनल पावर्स के साथ में बहुत ज़्यादा क्या थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को इस्टेब्लिश करते चले जा रही थी, तो उन रीजनल पावर्स के साथ में भी ब्रिटिशर्स के क्या हुए, वॉर हुए। उन वॉर को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और वॉर ख़त्म होते ही 5-6 वॉर हैं मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद में जितने भी गवर्नर जनरल्स भारत के अंदर आए, रॉबर्ट क्लाइव से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक, तो रॉबर्ट क्लाइव से लॉर्ड माउंटबेटन तक जो जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं, पूरे गवर्नर जनरल 50 गवर्नर जनरल हमको नहीं पढ़ने, हमको मैक्सिमम 20 गवर्नर जनरल्स पढ़ने, जिनके टाइम की जो भी सरकार प्रॉब्लम्स रही थी, वो प्रॉब्लम्स जिनके टाइम की बहुत महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं घटनाएं रही होंगी, उन घटनाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल्स इस समय में रहते हैं, इनको पढ़ेंगे। चलिए, क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग। इसके बाद में जो भी आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर इसके आगे की जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, तो एक बार आप लोग पूछ सकते हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और आप लोग के जो भी डाउट्स